आखिर संजू सैमसन के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? जी हाँ, संजू सैमसन, जिनको अगर हम बैड लक भी कहें तो गलत नहीं होगा, जिनकी किस्मत जेठालाल से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि संजू को जब जब मौका मिलता है तो वो प्लेइंग 11 में नहीं हो पाते हैं। कभी प्लेइंग 11 में होते हैं तो रन बनाते हैं, उसके बाद भी अगली सीरीज में या फिर अगले मैच में ड्रॉप कर दिए जाते हैं। कभी उन्हें विकेटकीपर, बैकअप विकेटकीपर के तौर पर लिया जाता है तो कभी बैकअप बैटर के तौर पर, और कभी तो भाई सीरीज से ही ड्रॉप कर दिया जाता है जबकि वो फॉर्म में होते हैं। ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले। श्रेयस अय्यर, जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चौथे मुकाबले में चोटिल हो गए हैं, जिनकी पीठ की जो इंजरी है वो वापस उभर आई है, जिसके चलते वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 ओडीआई मैचों की सीरीज जो 17 मार्च से शुरू होनी है उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इनफैक्ट खबर तो ये भी आ रही है कि शायद वो आईपीएल 2023 का फर्स्ट हाफ भी जो है मिस करेंगे, और शायद ये भी हो सकता है कि पूरा आईपीएल 2023 भी मिस कर जाए। अब उनकी जगह एक ना एक किसी को रिप्लेसमेंट के तौर पर तो चुनना था, और इसी के चलते बीसीसीआई की अहमदाबाद में बैठक हुई, जहां पर शिव सुंदर दास ने इस बैठक की अध्यक्षता की। वहां पर लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई संजू सैमसन को बैकअप के तौर पर ओडीआई स्क्वाड में लाया जाएगा। लगभग हर जगह यही खबर चल रही थी कि संजू जो है वापसी करेंगे, संजू के फैंस के लिए खुशखबरी है और संजू के फैंस को तोहफा मिल गया, संजू के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि आगे ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ रहा है। बट जब मीटिंग खत्म हुई तो उसमें यह फैसला लिया गया कि भाई श्रेयस अय्यर की जगह किसी भी खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा, और उसके बाद से सोशल मीडिया एक बार फिर से गर्मा गया संजू सैमसन की डिबेट को लेकर। क्योंकि संजू सैमसन, आपको याद है कि भाई एक सीरीज खेलते हैं, दूसरी में ड्रॉप हो जाते हैं, तीसरी फिर खेलते हैं, फिर चौथी में ड्रॉप हो जाते हैं। कितने सालों तक तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ही बाहर रहे थे, ओडीआई में बहुत कम चांसेस मिले, टी20s में बहुत कम चांसेस मिले, आईपीएल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपना जौहर जो है, अपनी प्रतिभा जो है वो दिखाते हैं, और जैसा कि आईपीएल 2022 में उन्होंने दिखाया था, राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करी, फाइनल पहुंचाया, हालांकि जितवा नहीं पाए, बट फिर भी एज अ कैप्टन और एज अ बैटर आईपीएल में बहुत अच्छे हैं, और उनके जो ऑप्शन के तौर पर जिन खिलाड़ियों को लाया जाता है उन्हें भरपूर मौके दिए जाते हैं, चाहे बात करें ऋषभ पंत की, चाहे बात करें ईशान किशन की, या हो वो केएस भरत। तो संजू सैमसन को छोड़कर हर किसी को बहुत सारे मौके दिए जाते हैं, केएल राहुल को बहुत मौके दिए जाते हैं, बट संजू के साथ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद बीसीसीआई की कोई पर्सनल दुश्मनी है या कोई पर्सनल रिवेंज है, जिसके चलते बीसीसीआई उन्हें उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, उतना प्रेफर नहीं करता। अब इसी के चलते हम आपको सबसे पहले तो संजू के स्टैट्स बताते हैं कि आखिर संजू सैमसन के स्टैट्स क्या कहते हैं, चाहे वो टी20 हो, ओडीआई हो, आईपीएल हो, इसमें संजू ने किस तरह से परफॉर्म किया है। संजू सैमसन के अगर ओडीआई करियर की बात करें तो 11 मैचों में 330 रन है, 66 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 104.76 का। वहीं अगर बात करें संजू सैमसन के टी20 इंटरनेशनल करियर की तो 17 मैचों में 301 रन है, 20 का एवरेज है और 133.77 का स्ट्राइक रेट है। और अगर टी20 करियर की बात करें तो 227 मैच, 5617 रन, 28.51 का एवरेज और स्ट्राइक रेट है 131.94 का। और अगर आखिरी जो स्टैट की बात करें आईपीएल की तो 138 मैचों में 3500 से ज़्यादा रन, 29 का एवरेज और 135.72 का स्ट्राइक रेट। तो ये है संजू सैमसन के स्टैट्स। और कुछ दिनों पहले तो ये भी खबर आई थी कि भाई आयरलैंड क्रिकेट की तरफ से उन्हें ऑफर आया है कि आप हमारी तरफ से खेलिए, क्योंकि आपको उतने मौके इंडिया से तो मिलते नहीं है, और इसलिए अफवाह भी उड़ी कि शायद संजू सैमसन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लें। बट अब जो वनडे सीरीज होने वाली है वहां पर संजू को मौका नहीं मिला है, यानी कि संजू के पास एक बार फिर मौका है आईपीएल 2023 में अपने आप को साबित करने का। अब उसमें भी अगर परफॉर्म करते हैं तो वो टीम इंडिया में आ पाएंगे या नहीं, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को कम मौके मिल रहे हैं, और अगर मौके कम मिल रहे हैं तो उसका कारण क्या है, और क्या संजू सैमसन को और ज़्यादा मौके मिलने चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।